देखिए आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की, आवेश के वितरण की। आवेश का वितरण जो होता है ये दो तरह का होता है। आवेश का जो वितरण है ये दो तरह का होता है, एक तो विविक्त डिस्क्रीट। डिस्क्रीट किसको कहते हैं? जो अब तक आप पढ़ते आए थे, एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है, ये विविक्त डिस्क्रीट है। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस, आवेश का सतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है? सपोज करिए ये कोई वायर है और इस वायर को चार्ज दे दिया आपने, तो चार्ज इस पूरे वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहीं कोई गैप नहीं है। जबकि डिस्क्रीट में क्या था? एक चार्ज यहां था, 1 कूलाम, 1 2 कूलाम, 1 3 कूलाम। जो अब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उन प्रॉब्लमों में ऐसे ही तो था कि भाई एक चार्ज वहां पर है उसकी वजह से हम यहां पर फोर्स निकाल लें या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, दूसरा वहां पर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तीसरा वहां पर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो डिस्क्रीट था, अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस में क्या होता है? कोई भी बॉडी जो है उसको चार्ज दे दिया गया है और चार्ज उस बॉडी पर एक समान रूप से वितरित हो गया है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अब यहां पर फिर तीन तरीके से हो सकता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। पहला, मान लीजिए किसी वायर को आपने चार्ज दे दिया, इसका मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो एक लेंथ पर हुआ है, किस पर हुआ है? लेंथ पर। या मान लीजिए आपने किसी ऐसी बॉडी को चार्ज दिया है जिसमें एरिया है, एरिया से मतलब कोई सीट टाइप की, जैसे एक पेज होता है ना, पेज की जो थिकनेस होती है, जो उसकी मोटाई होती है वो निग्लिजिबल होती है। इसका मतलब वहां पर जो चीज कंसीडर की जाती है वो लंबाई और चौड़ाई, इसका मतलब एरिया। तो जब आप एरिया को चार्ज देंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ आप इस तरह से दिखाओगे। और इसी प्रकार से पूरे पैसों कर सकती हूं। तीसरा, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो वॉल्यूम में हो रहा है, आयतन में हो रहा है, यानी आपके पास जो बॉडी है वो इस तरह की है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। भाई पहला जो आपने लिया उसमें केवल लंबाई को शो कर रही हो आप, दूसरे में लंबाई और चौड़ाई को शो कर रहे हैं आप, और तीसरे हम जो बात कर रहे हैं लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर है। कभी कभी इस तरह की ऑब्जेक्ट भी होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको क्लियर नहीं दिखती, जैसे हम एक स्फेरिकल शेप में ले लें तो स्फेरिकल शेप में कंफ्यूज हो जाओगे आप, कहोगे सर इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो है ही नहीं, लेकिन आप इससे पता चल जाएगा कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी उसमें तीनों डायरेक्शंस हैं। अगर आप उस पिक्चर को शो करना चाहोगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट वाले उस सिस्टम में आप उसको शो करोगे। तो 3 डायमेंशनल फिगर में मान लीजिए आपने एक क्यूब टाइप का शो कर दिया और उसको चार्ज दिया गया है, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहां पर किसमें हुआ? वॉल्यूम के अंदर। यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये वॉल्यूम के अंदर हुआ। तो ये तीनों तरह के जो चार्ज हैं इसको कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर मान लो आपका ऐसा रखा होता कि एक चार्ज यहां रखा है Q1, दूसरा यहां रखा है Q2, तीसरा यहां रखा है Q3, ये आपका है पहले तरह का जिसको आप कह रहे थे डिस्क्रीट विविक्त डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम थी उनको तो हम समझ चुके हैं। अब मेन हमारा जो काम है ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज है उसके बारे में बात करनी है। इसके साथ साथ हमें चार्ज डेंसिटी की बात करनी है, क्योंकि मेन जो टॉपिक है वो हमारा चार्ज डेंसिटी है। ये तो सिंपल बस डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात थी, मेन जो टॉपिक आएगा चार्ज डेंसिटी आएगा, और फिर उसके हिसाब से आप कूलाम्स लॉ कैसे लगाओगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये टॉपिक हमारे आने वाले हैं। तो सबसे पहले फिर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें।
चार्ज डेंसिटी क्या बताओ, आवेश घनत्व, इसकी बात करें। घनत्व शब्द जो है आप लोग 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और वहां पर आप सिंपल डेंसिटी पढ़ती थी और उसको क्या कहते थे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये आपने पढ़ा था। अगर आप इसको व्यापक रूप में समझें तो वास्तव में मुझे इसको कहना चाहिए द्रव्यमान घनत्व। इस सिंपल घनत्व को क्या कहना चाहिए, द्रव्यमान घनत्व। यानी द्रव्यमान घनत्व का मतलब हुआ द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। अब बात हम करते हैं इसी तरह से आवेश घनत्व की, तो आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश अपॉन आयतन। मान लीजिए आप बात करते हो एनर्जी घनत्व की, एनर्जी डेंसिटी की, तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन आयतन। और भी किसी प्रकार के घनत्व की आप बात करें, और भी किसी प्रकार के घनत्व की आप बात करें, उसका मतलब आप सिमिलरिटी में उसको समझ सकते हो। जैसे द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान अपॉन आयतन, आवेश घनत्व, आवेश अपॉन आयतन, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा अपॉन आयतन, और भी कोई आ जाए उसी तरह से आप उसको समझ जाओगे। लेकिन आवेश घनत्व को थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए वैसे अगर समझा जाए, अगर हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें किसी चीज को, किसी भी चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं हमारे पास, एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत बारीक दृष्टि से आप उसको देखने की बात कर रही हो, तो ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जिनमें आयतन है, जबकि नॉर्मल हम इसको कह रहे हैं लेंथ है, इसको कह रहे हैं एरिया है, इसको कह रहे हैं वॉल्यूम है। आप इसको लेंथ कह रहे हो, इसको एरिया कह रहे हो, इसको वॉल्यूम कह रहे हो। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक वाली बात की जाए तो तीनों में क्या चीज है, वॉल्यूम। भाई आप एक वायर का वॉल्यूम निकालना जानते हो ना, वायर ये है, भले पतला होगा इससे वायर, लेकिन उसका अपना कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। आप इसकी बात करो, मान लो सिंपल ये पेज है आपकी कॉपी का एक, तो पेज का एरिया हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन उसकी थिकनेस भी तो है, भले छोटी सी है, इसका मतलब क्या हो गया उसमें, वॉल्यूम। और वो तो आपको सीधे सीधे दिख ही रहा है वॉल्यूम, पर यहां जो बात की जा रही है वो मैक्रोस्कोपिक वाली बात की जा रही है, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं, तो ये केवल क्या है, लंबाई, ये क्या है, क्षेत्रफल, और ये क्या है, आयतन। इसका मतलब यह हुआ कि भाई यहां तो हमारा जो द्रव्यमान था वो आयतन में बटा हुआ था, लेकिन आवेश तो तीन चीजों में बटा होता है। भाई नॉर्मल अगर आप कहते आवेश घनत्व तो आप बोल देते आवेश अपॉन आयतन, लेकिन आवेश तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक वाली बात कर रहे हैं तो आवेश तो तीन चीजों में बटा होता है, किस किस में, लंबाई में, क्षेत्रफल में, और इसका मतलब यह हुआ कि आवेश घनत्व जो होगा वो आपका तीन तरीके का होगा। पहला आवेश घनत्व जो है, पहला पॉइंट, अगर आवेश लंबाई में बटा है तो उसको कहोगे रेखीय आवेश घनत्व। एंड डिनोटेड बाई लैम्डा, उसको आप कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व और लैम्डा से आप उसको डिनोट करोगे। और फॉर्मूले को समझने के लिए ये आपने एक वायर ले लिया, इसकी लेंथ को आपने एल मान लिया और आवेश इस पर क्यू मान लिया, तो यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एल। भाई जिसमें आवेश बटा हुआ है अपॉन में वो चीज आ जाती है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। आप इसके यूनिट की बात करोगे, इसके मात्रक की बात करोगे, तो क्या हो गया, कूलाम पर मीटर। और इसी तरह से आप इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व,
क्योंकि आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें हो रहा है, क्षेत्रफल में, तो आप उसको ले सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व एंड डिनोटेड बाई सिग्मा। मान लीजिए कोई एक ये क्षेत्रफल है ए, और इस क्षेत्रफल में क्यू आवेश बटा हुआ है, तो फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए, और इसकी यूनिट की बात करोगे तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, इसकी जो यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरे वाला क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। तो तीसरे वाला जो आयतन आवेश घनत्व, उसमें आप एक ऐसी बॉडी लेंगे जिसमें आप आयतन को शो कर रहे होंगे, एंड डिनोटेड बाय रो। मान लीजिए आपने एक बॉडी ली, थ्री डायमेंशनल फिगर ले लिया, किसी भी शेप का ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आवेश का इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन आप शो कर रहे हो। ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, क्यू चार्ज है और वी इसका वॉल्यूम है। तो अब आप यहां लिख दोगे रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, एंड यूनिट मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर क्यू। और इसी तरह से इन तीनों की आप डायमेंशन भी इजीली निकाल सकते हो। तो कुल मिलाकर के हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि भाई जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो तीन तरीके से होता है, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, और उसी आधार पर आवेश घनत्व भी तीन तरीके का हो गया। सबसे बड़ी बात ये आने वाली है आपके सामने कि जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो सबसे पहले तो आप ये चीज पहचानोगे वहां पर कि आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो होना किसमें है, वो लेंथ पर होना है, वो एरिया पर होना है, या फिर वॉल्यूम में होना है। क्योंकि अगर आपने वहां मिस्टेक कर दी, अगर आप वहां गलती करते हो, इसका मतलब पूरी प्रॉब्लम गलत। तो सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज पे हो रहा है, और उसी प्रकार के आवेश घनत्व का हम यूज करेंगे। दूसरी एक और बात होती है वहां पर, हमें टोटल आवेश की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो टोटल आवेश वहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इस केस में हम टोटल आवेश निकालें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। इस केस में अगर टोटल आवेश निकालने की जरूरत पड़ जाए तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और इस केस में अगर हमें जरूरत पड़ गई तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी। तो इस तरह से आप टोटल आवेश को भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम में जरूरत पड़ रही है। तो ये हमारा जो टॉपिक था चार्ज डेंसिटी का, ये कंप्लीट। लेकिन इसके साथ साथ अब हमें कूलाम्स लॉ को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते थे हम किसी चार्ज की वजह से, उसको हमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में समझना होगा। सपोज करिए एक कोई प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम इस तरह की है कि एक बॉडी है और उस बॉडी पे चार्ज है, और अब हम कोई दूसरा चार्ज हमारा रखा हुआ है और ये कहें कि इस बॉडी की वजह से उस पर फोर्स निकालिए, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे ऐसी प्रॉब्लम को? या फिर कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे उस प्रॉब्लम को? तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। मान लीजिए हमने एक वायर ही ले लिया, चलिए, और वायर को चार्ज दे दिया, और अब इससे आर डिस्टेंस पर ये कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है जो कि पॉइंट चार्ज है, और इस पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं कि इस पर कितना टोटल फोर्स लगेगा उस वायर की वजह से। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो वायर की चार्ज डेंसिटी आपने मान ली लैम्डा। अब आप इसमें एक एलिमेंट चूज करोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है प्रॉब्लम के हिसाब से एक एलिमेंट से काम नहीं होता तो दो एलिमेंट चूज करते हैं,
मान लीजिए आपने एक एलिमेंट ये चूज किया, एलिमेंट का मतलब होता है एक छोटा सा पोर्शन, लेकिन एलिमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए, अगर आप लेंथ वाली चीज ले रहे हो तो एलिमेंट की लेंथ होनी चाहिए, अगर आप एरिया वाली बॉडी की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट का भी एरिया होना चाहिए, और अगर आप वॉल्यूम वाली बात कर रहे हैं तो एलिमेंट का वॉल्यूम होना चाहिए, एलिमेंट से अल्पांश, इसका मतलब यहां बात आ रही है लेंथ वाली। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट की लेंथ मान लेंगे, मान लो dl, एलिमेंट का मतलब होता है छोटा सा अल्पांश, इसका मतलब लेंथ को भी छोटा मानोगे, d लगा करके मानोगे, तो लेंथ मान ली आपने उसकी dl। अब मैं क्या जानना चाह रहा हूं भाई कि इस dl की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि यहां पर जो बॉडी है जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वो इसके सिमेट्रिक टाइप का लग रहा है, तो चाहे तो एक एलिमेंट ऊपर ले ले और एक एलिमेंट हम नीचे ले सकते हैं, इसकी लेंथ dl, इसकी भी लेंथ आपने dl मान ली, तो सबसे पहला काम कूलाम्स लॉ लगाने के लिए हमें यह देखना होगा कि इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है। अब उस एलिमेंट पे चार्ज निकालने के लिए हमने चार्ज डेंसिटी मानी लैम्डा, ये पूरी लेंथ मान रखी थी, मान लीजिए एल, ये एल लेंथ थी पूरी, तो डीएल लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा। देखिए जब ये बात आती है ना, जैसे हम ये कहें कि समुद्र में कितना पानी, आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन पानी के डेंसिटी की बात हम कर सकते हैं क्योंकि वो चीज कांस्टेंट मानी जाती है। आप मान के चल रहे जैसे एक बाल्टी पानी फिर एक गिलास पानी, अमाउंट बदल गया लेकिन डेंसिटी नहीं बदली, घनत्व सेम है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका भी तो घनत्व लैम्डा है, तो लैम्डा का मतलब क्या होता है, एक मीटर, क्योंकि आप लैम्डा को कहते हैं क्यू अपॉन एल, यानी पर यूनिट लेंथ पर चार्ज, वन मीटर लेंथ पर चार्ज, यानी एक में इतना, तो डीएल में कितना, वही हिसाब, एक रुपए में इतना तो दस रुपए में कितना मल्टीप्लाई वाला, तो एक में तो कितना ऐसा चार्ज लैम्डा, तो डीएल लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल, तो इस पे इतना चार्ज आ गया, आप उसको डी क्यू लिख सकते हो। डी क्यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो चार्ज भी उस पर कैसा होगा, छोटा होगा, तो ये डी क्यू निकल करके आ गया। अब कूलाम्स लॉ लगाओगे, अब कूलाम्स लॉ लगा रहे हैं तो मान लीजिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको आपने आर मान लिया, आर, अगर आप इसको आर पहले से इस वाले को आर मान चुके हैं तो उसको कुछ और मान लेना, आर वन मान लेना, तो आपने उसको आर वन ले लिया। अब इस एलिमेंट के और इसके बीच में कूलाम्स लॉ लगा दीजिए आप, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा डेफिनेटली वो फोर्स भी कैसा होगा, छोटा, तो आप उसको डीएफ लिख सकते हो, तो डीएफ इक्वल टू हो जाएगा के Q1, Q1 का मतलब dQ, और इंटू Q2 यानी Q अपॉन R1 स्क्वायर। अब आप यहां dQ की वैल्यू पुट कर दोगे तो K और dQ की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा dL इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, K लैम्डा Q और dL को बाद में ले लो अपॉन में R स्क्वायर, ये dF निकल के आया। एक्चुअल में हमने एक ये छोटा फोर्स निकाल दिया, क्लियर, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होंगी वहां एक ही एलिमेंट से काम हुआ करेगा, वहां दो एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका, ये तो छोटा सा फोर्स है और टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या कर देंगे, उसका समाकलन। ये आप जानते हो अच्छी तरह से, जब भी हम कोई चीज निकालते हैं अगर किसी छोटे से के लिए निकाल दिया तो बाद में या तो जितने भी एलिमेंट है सबका समेशन करिए, सबको जोड़ दीजिए, अदरवाइज क्या कर दें, उसका इंटीग्रल कर दें, उसका समाकलन कर दें। तो अगर हमारा यहां एक एलिमेंट होता तो सिंपली मैं टोटल फोर्स निकालने के लिए एफ इजुकल टू क्या कर देता, इसका इंटीग्रल कर देता, के लैम्डा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएल, इसका बस इंटीग्रल कर देता, और इंटीग्रल की वहां जो प्रॉब्लम है उस सिचुएशन के हिसाब से लिमिट लगा देती है। लिमिट किसकी लगती है, जो डी के साथ होता है, जैसे डीएल है तो फिर हम ये देखते हैं कि वहां पर जो वायर लिया जा रहा है वो कितना है, यानी उसकी लंबाई कितनी है एल, तो मान लो कहां से चल रही है, जीरो से एल, तो उसको लिमिट के रूप में यूज करते हैं।
लेकिन यहां क्या है, यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि आपने जो पॉइंट लिया है वो बीच, इसके बीच से इस तरह से ले लिया है, तो आप इसको ओरिजिन मान करके चल रहे हैं, तो लेंथ कुछ नीचे है कुछ ऊपर है। अगर एक जस्ट मिड में है तो नीचे हो गई माइनस के एल वाई टू और ऊपर हो गई प्लस के। तो यहां आपने दो एलिमेंट लिए, पहला एलिमेंट ये, इसकी वजह से भी फोर्स उतना ही आया डीएफ, और दूसरा एलिमेंट ये लोगे तो ये वाली डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी फिर आर वन, और उसकी वजह से भी फोर्स उतना ही आएगा, लेकिन दोनों फोर्सों की डायरेक्शन अलग अलग होंगी, क्योंकि देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर होता तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसान था, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं होता, सिंपल वैल्यू निकाली और प्लस कर दी। लेकिन जब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की तो हमें डायरेक्शन को ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इस वाले फोर्स की डायरेक्शन ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल प्रतिकर्षित, तो ये इधर इस वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या कर रहा है, रिपेल, और फिर आप यहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके उसको कंपोनेंटों में डिवाइड करती। तो अब मान लो ये एंगल आप मान लें थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, अब जब ये एंगल थीटा तो इधर वाला ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये वाला इधर ये थीटा हो जाएगा। आप इसको मान रहे, मान लो डी एफ वन और इसको डी एफ टू, आप कहेंगे सर अलग अलग क्यों मान रहे, ये तो सेम है, एक जैसा मान लीजिए, नहीं, मैग्नीट्यूड एक जैसा मान सकती हो लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो गई, इसलिए फिर उस वेक्टर को एक जैसा नहीं कर सकती आप, इसलिए उसको अलग अलग माना। अब इस df1 का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा df1 cos और इधर वाला हो जाएगा df1 sin और इसका इधर वाला df2 cos और इधर वाला df2 sin theta। क्या देख रहे हो बेटा, ये और ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट, दे आर कैंसिल टू ईच अदर, तो नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स हुआ इन दोनों का सम। तो नेट फोर्स के लिए इनका सम करेंगे और फिर टोटल फोर्स निकालने के लिए, ये तो केवल दो एलिमेंटों से आया है, और फिर टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रल। तो बात को समझ रहे हो ना, कभी कभी क्या होता है, हालांकि बोर्ड लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन कम पूछा गया है, लेकिन कंपटीशंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पहले एक एलिमेंट से फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर इंटीग्रल करके तब टोटल फोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए, ये तो फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या हो जाता भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए केवल फॉर्मूला चेंज हो जाता आपका। मान लीजिए इसी की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते, ये आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप एक एलिमेंट यहां लेते, एक एलिमेंट यहां लेते, इस पे चार्ज निकाल लेते, चार्ज आ जाता, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है ना, चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है, और इसकी लेंथ को आपने मान लिया डीएल, तो फिर से वही डी क्यू की वैल्यू हो गई लैम्डा इंटू डीएल। और अब आप यहां पे निकालना चाहते हो, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आपने आर वन माना, तो अब जो फॉर्मूला होता है, तो डी ई वन इज इक्वल टू के, और क्यू की जगह पे क्या आता, डी क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर। क्लियर, तो अब हम सेम बिल्कुल तरीके से, जैसे मान लीजिए इस प्रॉब्लम में फोर्स पूछ रहा है और हम चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछे, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें कूलाम्स लॉ लगा रहे थे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, हो गया, शुरू कर दिया, चल अब ध्यान दीजिए। तो हम बात कर रहे थे इसकी कि जिस तरह से आप फोर्स निकाल रहे हो उसी तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना आना चाहिए, फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम यहां से फिर से एलिमेंट लेंगे, ऐसे ही एक एलिमेंट नीचे दिखाएंगे, अब वो डी ई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डी क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे आप, कितनी है, लैम्डा डी एल अपॉन आर वन स्क्वायर, ये डी ई वन की वैल्यू आ गई। ऐसे ही डी ई टू अगर आप निकालोगे, मान लीजिए यहां पर एलिमेंट लिया है दूसरा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो भी डिस्टेंस सेम और वो भी वैल्यू सेम आ जाएगी, के
लैम्डा डी एल अपॉन आर वन स्क्वायर, लेकिन दोनों की डायरेक्शन यहां भी अलग अलग होगी भाई। यहां इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पर अवे, और ये भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ये अवे, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, ये एंगल मान लीजिए थीटा मान लिया, और ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, तो ये सामने वाले एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल करके थीटा हो गए, और फिर से आप कंपोनेंटों में डिवाइड कर दोगे, तो ये डी ई वन है, तो इधर वाला कंपोनेंट डी ई वन कॉस, और ये डी ई वन साइन थीटा, ऐसे ही इस वाले का ये डी ई टू है, तो इधर वाला डी ई टू कॉस, और ये डी ई टू साइन थीटा, और ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल टू ईच अदर, और वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये दो एलिमेंट से आया, और पूरा निकालने के लिए बाद में उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रल। तो कुल मिलाकर के यहां हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में ये और समझना चाह रहे थे कि किस तरह से अगर किसी बॉडी पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, चार्ज का सतत वितरण है, तो वहां पर फिर हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये उसका एक तरीका है। ऐसा भी हो सकता है एक एलिमेंट लेकर के ही काम चल जाए, ठीक है, मेन बात है एक एलिमेंट से निकालना है और फिर उसका क्या करना है, इंटीग्रल।